वेलकम एंड ग्रेट स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो वो कैप की प्यारी सी सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट एनी डिले। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वर्ड जो आ रहा है दैट इज द पैनेशिया। एंड मैंने आपको एक रूट वर्ड करवाया था कि पैन का मतलब होता है ऑल, तो यहाँ पर इसका मतलब पैनेशिया का मतलब होता है, देखिए राम बाण हम कह सकते हैं, मींस एक ऐसा सोल्यूशन जो हर एक प्रॉब्लम के लिए फिट बैठता है। एंड इस वर्ड को किस तरह से कोरिलेट करेंगे, आप पान और एशिया से कोरिलेट कर सकते हैं। पान और एशिया से मींस जो एशिया का पान होता है वो कैसा होता है, वो रेमेडी होती है। रेमेडी का मतलब होता है सोल्यूशन, यहाँ पर हम कह सकते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे अमिताभ बच्चन यानी बिग बी का एक बहुत बड़ा जो एक सुपर हिट गाना है वो भी देख सकते हैं, उखाई के पान बनारस वाला, यही गाना यहाँ पे पिक्चराइज होते हुए भी हम देख सकते हैं। तो होप सो पैनेशिया वर्ड मीन्स रेमेडी फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। मैं ये कहूँ कि जो योग होता है या जो प्राणायाम होता है वो क्या होता है, वो पैनेशिया होता है। अभी जो ये इतना कोविड वाला जो फेज है, फैला हुआ है, यहाँ पे आपको मुक्ति कौन दिलाएगा, कहने का मतलब है कि आपको हेल्प कौन करेगा, अल्टीमेटली योग ही करेगा। क्योंकि इसमें जब हम अपनी फ्रेश एयर जो होती है वो इनहेल करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा ही फायदे होंगे। होप सो आपको ये पैनेशिया वर्ड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज ऑफेंड। तो आप ये कहेंगे कि ये वर्ड बहुत डिफिकल्ट सा है, इसको कैसे लर्न करें। देखिए ऑफेंड यानी आप इस पिक्चर से कोरिलेट कर सकते हैं, अगर आप अपना कोई भी फेवरेट शो देख रहे हैं, लाइक आईपीएल चल रहा है, या गर्ल्स कहें तो अपना कोई फेवरेट सीरियल देख रही है, और अचानक में लास्ट में क्या होता है कि टीवी को आके बंद कर दिया यानी ऑफ कर दिया एंड में, तो उससे क्या होता है, आप इरिटेट हो जाते हैं। क्योंकि वही सबसे हम कह सकते हैं कि एक ऐसा फेज होता है जिसमें हमें पता चल रहा होता है कि स्टोरी में आगे क्या हुआ, या आईपीएल का जो लास्ट ओवर होता है वो काफी क्रूशियल होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है, कि उससे पता लगता है कि पूरे मैच का रिजल्ट वहां पे आता है। तो इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं, ऑफेंड का मतलब होता है कि एंड में क्या कर दिया, टीवी को ऑफ कर दिया। तो ऑफ करने से क्या हो गए, आप हो गए इरिटेट हो गए, मतलब आपको अच्छा नहीं लगा वो चीज। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड इज एम्ब्रेज। ये वर्ड है एम्ब्रेज, एंड इसको आप कोरिलेट करेंगे अंग्रेज से, क्योंकि ये अंग्रेज वो है जो अप्रोक्सीमेटली 200 साल तक जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया। तो इन्होंने क्या किया था, देखिए हमारे ऊपर राज किया था, हमारा बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि हमारे साथ मिसट्रीट किया था, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, लाइक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनको फांसी पे भी चढ़ाने का काम किया था। तो इट मीन्स अंग्रेजों का नाम आते ही हम क्या हो जाते हैं, हम हो जाते हैं सैड, हम हो जाते हैं इरिटेट। तो होप सो अम्ब्रेज को आप कोरिलेट करेंगे अंग्रेज से। एंड नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रीम। स्क्रीम जो होता है, देखिए स्क्रीम जो आइसक्रीम होती है उससे आप कोरिलेट कर सकते हैं, आइसक्रीम से कोरिलेट कर सकते हैं। ये जो बच्चा है आइसक्रीम देखते ही क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो स्क्रीम का मतलब हो जाएगा चिल्लाना, स्क्रीम का मतलब हो जाएगा चिल्लाना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये वर्ड क्लियर हो गया होगा, मतलब एक तरह से स्क्रीम वर्ड है यहाँ पे, वेरी इजी। नेक्स्ट वर्ड इज वैक्स। ये वो हेयर रिमूवल वाला वैक्स नहीं है, ये वैक्स है एक तरह से इर्क, मींस अभी इसको कोरिलेट करेंगे, वैक्स को आप कोरिलेट करेंगे विक्स से। और आप विक्स कब यूज करते हैं, जब आप अच्छा फील नहीं करते हैं, मतलब इरिटेशन सी होती है, कफ आपको प्रॉब्लम होती है, या कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे होते, तो उस टाइम आप विक्स का यूज करते हैं। तो इट मीन्स जो वैक्स हो गया वो उसका मतलब हो गया इर्क, मतलब एक सैडनेस की फॉर्म में, और इर्क हो जाता है इरिटेशन की फॉर्म में, जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज नेटल। नेटल को आप कोरिलेट करेंगे नेट से। जब भी किसी के ऊपर नेट डाला जाता है तो वो एक तरह से क्या हो जाता है, वो इरिटेट हो जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता है, इर्क महसूस करता है वो। तो नेटल को आप कोरिलेट करेंगे
इर्क से, सैडनेस से। तो यहाँ पर और भी जो सेनोनिम्स होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। इर्क, इर्क वर्ड को आप इरिटेशन से कोरिलेट करेंगे, जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, मतलब इरिटेशन सा हो रहा है आपको। एंड इसके साथ साथ ऑफेंड यानी एंड में, जैसे कोई भी फेवरेट सीरियल चल रहा था तो टीवी को बंद कर दिया लास्ट से पहले ही, ऑफेंड। तो यहाँ पर एक और वर्ड है, वैक्स हो जाएगा। एंड देन अंग्रेज जो है, इसको आप कोरिलेट करेंगे अंग्रेज से। तो होप सो आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी, तो अपने प्रीशियस फीडबैक देना ना भूलिएगा। मैं कविता इसी तरह से आपके लिए एजुकेशन वीडियो लाती रहूंगी। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट की